दोस्तों, ये गुप्त गंगा से अगर आप सीढ़ियों की तरफ से आएंगे तो साथ ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है, लेकिन सीढ़ियाँ जो है बिल्कुल तीव्र ढलान है इनकी, तो मतलब बस हो जाएगी आने जाने में। और अगर आप गाड़ी से ही जाते हो तो घूमकर 10 किलोमीटर का सफ़र आपको करना पड़ेगा। और ये माता का मंदिर आ गया है, यहाँ की मानना है अच्छे माता की कि किसी के संतान नहीं हो रही है, कोई मर जाती है या किसी को किसी तरह की बीमारी है तो यहाँ जो अक्षर कुंड है वहाँ पर स्नान करने से वो सारे दुख दर्द और जो इच्छा प्राप्ति है वो यहाँ पर पूर्ण होती है। तो ये माता का दरबार है। और आगे हम जाएंगे तो जो अक्षर कुंड है बहुत ही प्यारा और लुभाना दृश्य है यहाँ का। आप भी कभी आए तो ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में और अचल जो देखने में होता है वो फ़र्क होता है। और इंसान की एक अपनी इच्छा भी होती है कि मैं घूमूँ, देखूँ उन चीज़ों को। तो ये जो अचल कुंड है यहाँ पे सारे जो है नहाते हैं। फिर देखिए कैसे बहाव आ रहा है ऊपर से कुंड से। बहुत ही अच्छा दृश्य है, मन को मोहने वाला। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं माता के पास अपनी इच्छाएं की पूर्ति के लिए। तो ये भव्य मंदिर का दृश्य है। और यहाँ से पीने का पानी है जो कुंड से आता है। और ये कुछ हमने देखा जाकर छोटी सी गुफाएं बनाई हुई हैं। ये लगता है जो संत महात्मा होते होंगे वो यहाँ पर विश्राम करते होंगे। और मंदिर भी है यहाँ, मूर्ति वगैरह भी है स्थापित है अंदर। तो छोटी सी गुफा है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। धन्यवाद।